वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर ये सिख जरनैल भारत की फौज में नहीं होता तो आज श्री हरिमंदर साहिब पाकिस्तान के कब्जे में होता है। साथ में ही पंजाब, कश्मीर और अंबाला तक का क्षेत्र भी पाकिस्तान 1965 की जंग के समय हथिया लेता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान सिख फौजी जरनैल लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का इतिहास बहुत ही लंबा और बहुत बड़ा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1965 की जंग के बीच में, जब डेरा बाबा नानक के ऊपर पाकिस्तानी फौज की कई डिवीजनों ने एक ही बार हमला कर दिया, तो कैसे और किस प्रकार इन्होंने श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहिब को 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से बचाया। और तो उस समय वहां के जो कमांडर और मुखी थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का जन्म 1913 को संगरूर जिले के बरुखा गांव में होता है। यह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नानका गांव है। अचानक हुए हमले की तीव्रता को देखते हुए सरदार जी को, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी को, दिल्ली से आर्मी चीफ मिस्टर चौधरी का फोन आ जाता है, हुक्म आ जाता है कि आपकी जो फौज है उसे हटाकर आप ब्यास दरिया से पीछे ले आओ। हमें लगता है कि अमृतसर का जो एरिया है वो तो अब हमारे हाथ से बिल्कुल निकल गया है, अब हमें अंबाला और दिल्ली बचानी है, इसलिए आप अपनी सेकंड डिफेंस लाइन बनाओ जो ब्यास दरिया और अंबाला के बीच में बन जाए या जलंधर के आसपास बने। ऐसे में वो जान गए थे कि जो पाकिस्तान फौज है वो अमृतसर तो ले ही चुकी है और अंबाले तक का इलाका बहुत ही आसानी से वो जीत जाएगी, ऐसे में दिल्ली को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी को पीछे बुला लिया जाए। एक तरफ फौजी ट्रेनिंग के सीनियर के हुक्म मानने का असूल था, तो दूसरी तरफ गुरुओं की बसाई हुई इस धरती अमृतसर के साथ उनका प्यार, उनका मोह, जज्बा। आखिर तक जो गुरुओं की धरती के साथ उनका मोह और प्यार वाला जज्बा बना रहा, यह राजनीति की कूटनीति के ऊपर भारी पड़ गया। इन्होंने ये साफ साफ कहकर पीछे हटने से मना कर दिया कि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब तो 17 साल पहले ही हमसे छिन जा चुका है, पाकिस्तान के बंटवारे में वो पहले ही उधर जा चुका है, अब दरबार साहिब श्री अमृतसर की धरती किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। उस समय पाकिस्तान की फौज के साथ काफ़ी एडवांस टेक्निक वाले लड़ाकू विमान जहाज थे और जमीन पर चलने वाले टैंक भी भारत की तकनीक से कहीं आगे विकसित थे। उस समय डेरा बाबा नानक सेक्टर के ऊपर जो भारतीय फौज है वो डटी रही, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। कईयों ने इस जंग के बाद इस जरनैल को हुक्म अंदोली यानी कि फौज का हुक्म ना मानने के चक्कर में भी फंसाना चाहा, पर सिखों की बहादुरी के कायल उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस अफसर के हक में पूरी तरह से डटे रहे। जानकार बताते हैं कि 6.5 फुट ऊंचे इस फौजी जरनैल का रुहब इतना था कि युद्ध के बाद जब प्रेस पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने खुद माना कि पाकिस्तानी फौज कभी भी ना हारती और वो दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लेती, यदि हमारे सामने भारतीय फौज के अंदर पर्वत जैसे जिगर वाला यह हिम्मती जनरल हरबख्श सिंह और उसकी अगुवाई में लड़ती यह निडर फौज ना होती। जनरल हरबख्श सिंह जी ने उस समय आसपास के गांव वालों को और किसानों को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया था। उन्होंने अपने इस गुरुओं की धरती को तो बचाया, साथ में कश्मीर भी बचा, अंबाला भी बचा और दिल्ली की सुरक्षा भी उन्होंने की। यदि आप जनरल हरबख्श सिंह जी के बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी एक बुक आपको पढ़ने को मिलेगी। इन द सोल्जर बुक में आप जनरल हरबख्श सिंह जी के जीवन के बारे में, भारत की फौज में कब भर्ती हुए, देहरादून में जाके कब इन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग जो है वो 11वीं सिख रेजिमेंट के साथ हुई, ये सारी डिटेल आपको इनकी बुक इन द सोल्जर के अंदर पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे UPI का नंबर होगा, अपनी किस्मत के हिसाब से अपना दान जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।